हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम फाइनेंस फंक्शन सीखने वाले हैं हमारी एक्सेल स्प्रेडशीट पे। सबसे पहला फंक्शन जो हम टेकअप कर रहे हैं वो है हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू फंक्शन। तो मैं बताऊंगी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, फंक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है, और इसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी एक्सेल पे। तो दोस्तों देखिए, अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपने कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगा रखा है, फॉर एग्जाम्पल हम एक प्रोजेक्ट का एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे इनिशियल जीरोथ ईयर पे आपका 10,000 का कैश आउटफ्लो हो रहा है और आपको पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें साल कुछ कैश इनफ्लोज मिल रहे हैं जो कि पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो आप जानना चाहते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट का जो नेट गेन होगा वो क्या होगा, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो आप में से बहुत से लोग ये बोल सकते हो कि यार चलो ऐसे करते हैं कि 3,000 को ऐड कर देते हैं हम 5,000 से, 6,000 से, 4,000 से, 2,000 से, और उससे माइनस कर देते हैं 10,000। ये तो बिल्कुल सही है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। बट आपको ध्यान में रखना है ईयर ईयर, दैट इज कि ये जो 3,000 है, ये जो 5,000 है, जो 6,000 है, 4 और 2,000 है, ये स्टैंड कर रहा है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें साल। और आप सबको पता है इन्फ्लेशन कम्स इनटू पिक्चर, द डिस्काउंट रेट कम्स इनटू पिक्चर, यानी कि एक साल बाद मिलने वाला 3,000 आज के 3,000 के बराबर नहीं होगा, 5 साल बाद मिलने वाला 2,000 आज के जीरो के 2,000 के इक्वल नहीं होगा। और इस वजह से हम इन्हें सबको ऐड करके इसमें से माइनस 10,000 बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली एक फंक्शन है, इनबिल्ट है, आपको एक्सेल में कैलकुलेशन करना है लेकिन कुछ मैन्युअली कैलकुलेट नहीं करना। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे इज इक्वल टू एनपीवी करोगे तो एक फंक्शन आ जाएगा जिसको हम 2 मिनट में समझने वाले हैं। ये देखिए, ठीक है, इसको हम लेकर के समझेंगे। सो बेसिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू इन एन एक्सेल इज एन एक्सेल फाइनेंशियल फंक्शन व्हिच इज यूज्ड टू कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन सीरीज ऑफ कैश फ्लोज एंड अ डिस्काउंट रेट। दिस इज 0.08 व्हिच एक्चुअली मींस इट्स अ 8% डिस्काउंट रेट। ये एक्चुअली फाइनेंशियल एनालिसिस में बहुत इस्तेमाल होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये हमको बताता है कि जो फ्यूचर में तुम्हें वैल्यूज मिल रही हैं उसमें से अगर तुम उसमें से आज का जो कैश आउटफ्लो है माइनस करो तो क्या आपको एक्चुअल में प्रॉफिट हो रहा है या फिर नहीं। तो आइए चलते हैं इस फॉर्मूला की तरफ और चलते हैं इसके सिंटेक्स की तरफ। तो जैसे कि मैंने कहा, मैं करूँगी एक्सेल को कमांड दूंगी इज इक्वल टू एनपीवी, एक्सेल मुझे ये फॉर्मूला देगा, हम टैब से इसको एक्टिवेट करेंगे। तो हमारा जो सिंटेक्स है एनपीवी फंक्शन का वो कुछ इस तरीके से है। सबसे कह रहा है, पहले बोल रहा है कि भाई मुझे रेट दे दे, तो मैंने रेट दे दिया। नाउ दिस कुड बी 0.08 और इट कुड बी माइनस, दैट इज सॉरी, इट कुड बी 8%, राइट, विच इज वन एंड द सेम थिंग। देन इट्स आस्किंग मी द वैल्यू। अब मैं वैल्यू वन बाय वन भी पुटअप कर सकती हूँ या फिर मैं यहाँ से वैल्यूज को यूं कुछ ऐसे सिलेक्ट करके कर सकती हूँ एंटर, ठीक है जी। तो ये हो रही है हमारी वैल्यू। अगर दोस्तों हम ये ना करते और लेट्स सपोज हम ऐड करते मैन्युअली हम ऐड करते फंक्शन F2 से, मैं बाहर जाकर के इसको कर देती हूँ डिसकम्प्लीट। यार है 10,000, कैसे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 10,000, बट दिस वैल्यू इज लेसर। वाई हेयर यू आर अज्यूमिंग दैट 3,000, 5,000, 6,000, 4,000 एंड 2,000 आर स्टैंडिंग ऑन जीरोथ ईयर, दैट इज वेयर यू आर एडिंग ऑल ऑफ दिस एंड सब्सट्रैक्टिंग माइनस 10,000 ऑन जीरोथ ईयर, व्हिच इज नॉट द केस। यू आर एक्चुअली गेटिंग 3, 5, 6, 4, 2 लेटर ऑन इन द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर एंड रिस्पेक्टिवली, व्हिच मींस कि इनकी वैल्यूज घट गई होंगी। तो एक्चुअल में जो तुमको प्रॉफिट होगा वो ये होगा, ठीक है। तो अब आप समझ चुके हो कि आप जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू कब और क्यों इस्तेमाल करोगे, ठीक है। एक और बात, अगर मैं फाइनेंशियल डेफिनेशन बताऊं तो आप सिंपली बोल सकते हो कि एनपीवी फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज जनरेटेड बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड इट टेक्स इनटू अकाउंट द डिस्काउंट रेट। द नेट प्रेजेंट वैल्यू रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। सो व्हेन आई से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, तब एनपीवी फंक्शन का इस्तेमाल आया। And it is actually used to evaluate the profitability of an investment or project. तो ये लो, मैंने आपको इंटरव्यू के लिए आपकी डेफिनेशन भी बता दी। तो आइए जी चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सेल फाइनेंस फंक्शन पे। ये एनपीवी आईआरआर, ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एक्सेल फंक्शन है, लेकिन लोगों को इनकी डेफिनेशन में, इनके कंसेप्ट में, इनके सिंटेक्स में बहुत कन्फ्यूजन होती है, इसलिए हमने आज ये दो टेकअप किया है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस नेक्स्ट एक्सेल फंक्शन पे वीडियो चाहते हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं, अभी तो हम सेम एग्जांपल ले रहे हैं, मान लेते हैं आपके पास एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं या फिर इन्वेस्टमेंट्स हैं और आप दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी कंपेयर करना चाहते हैं।
तो हम सबको पता है कि प्रॉफिट जो है एक तो एब्सोल्यूट नंबर्स में आता है कि मान लेते हैं कि इसका आंसर 10,000 आ रहा है या फिर जो प्रीवियस एग्जांपल में 5674 आया था। एक तो हम परसेंटेज भी जाते हैं ना कि भाई इस प्रोजेक्ट का परसेंटेज आ रहा है कि 10% प्रॉफिट दे रहा है, दूसरा प्रोजेक्ट है वो 12% दे रहा है, तो हम कौन सा चूज़ करेंगे? ऑफकोर्स 12% वाला। सो बेसिकली IRR फंक्शन ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमें एक सिंगल रेट ऑफ रिटर्न देने के लिए जो कि यूजफुल हो सकता है टू कंपेयर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जिनके अलग अलग कैश फ्लो पैटर्न्स होते हैं। जितना ज्यादा IRR होगा दोस्तों आपका, उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल आपका इन्वेस्टमेंट होगा, और जितना लोअर IRR उतना लेस प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। तो सपोज करते हैं कि अगेन आपके पास एक इन्वेस्टमेंट है जहां पे इनिशियल आपका कैश फ्लो 10,000 का रिक्वायर्ड है और ये जनरेट कर रहा है कैश फ्लो एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर द कैश आउटफ्लोज ऑफ 3, 5, 6, 4, 2,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, तो अगर मैं कहूँ कि मुझे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि इंटरनली इस प्रोजेक्ट से कितना रिटर्न मुझे मिल रहा है, तो मैं यूज़ करूँगी IRR फंक्शन। ये भी इनबिल्ट है, मैं कहूँगी एक्सेल से कि भाई IRR, ये सिंटेक्स इसका बोलता है वैल्यूज़। ठीक है, तो वैल्यूज़ में ऑफकोर्स ये मैं वन बाई वन क्लिक कर सकती हूँ या फिर मैं एक साथ इसको क्लिक कर देती हूँ यूँ। अब जैसे ये जो ये नया पैरामीटर, ये जो दूसरा पैरामीटर है ना आप देख रहे हो गेस, इस पे ना ये मैंडेटरी नहीं, ये ऑप्शनल है, ये डिस्क्रिप्शन आप चाहो तो डालो, चाहो तो ना डालो फिर भी चलेगा। बिकॉज अगर आपने कभी भी एक्सेल सीखा हुआ है तो यहाँ पे आप देखो ये एक स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट वाला ऑप्शनल होता है। तो मैंने इसको क्लोज किया, मैंने कुछ भी नहीं दिया और ये मैंने कर दिया क्लिक, 30% आ रहा है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 30% है क्या। देखिए 30% ना IRR है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये वो रेट ऑफ रिटर्न है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है वो डिस्काउंट रेट जिस पे नेट प्रेजेंट वैल्यू इन सभी कैश फ्लोस का जीरो के इक्वल होगा, ब्रेक इवन है। इनका जो नेट प्रेजेंट है वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द कैश आउटफ्लोस दैट्स इक्वल टू द कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लोस का जो प्रेजेंट वैल्यू का सम है वो इक्वेट कर रहा है इससे, तो दैट इज 30%, दैट इज इट इज द डिस्काउंट रेट एट विच नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश फ्लोज इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे IRR फंक्शन हम लोगों ने यूज़ किया और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 30% का है, इसका मतलब है कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अगर आपका इन्वेस्टमेंट का लेस देन 30% है तो प्रॉफिटेबल होगा इन्वेस्ट करना, ज़्यादा है तो प्रॉफिटेबल नहीं होगा ये प्रोजेक्ट। इस तरीके से आप एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।